हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि खाने से पहले जो है इन हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि इन हाथों में जो है काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं और वो आपको बीमार कर सकते हैं। लेकिन क्या आप उन बैक्टीरियाज को कभी अपने खुले आँखों से देखे हैं? नहीं देखे होंगे ना, क्योंकि वो बैक्टीरियाज जो है काफ़ी छोटे होते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता। लेकिन मैं आज आपको एक सिंपल छोटा सा लेजर की मदद से जो है आपको उन बैक्टीरियाज को दिखाने वाले हो, ठीक है? तो इसके लिए आपको बस एक सिरिंज की ज़रूरत है और एक लेज़र लाइट की, ठीक है? आप इसमें कोई भी लेज़र लाइट जो है ले सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आसान है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है, ठीक है? तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यार मेरे हाथों में जो है काफ़ी सारे बैक्टीरियाज है, तो मैं सिंपली जो है इस मग के पानी में जो है मैं अपना हाथ धो लेता हूँ, अच्छी तरह से धो लेता हूँ। तो अब जो है मेरे हाथों में जो भी था वो सब इस पानी में चला गया, यानी कि जो बैक्टीरियाज था अब इस पानी में है। तो इस पानी को जो है हम इस सिरिंज में भर लेंगे। चलिए भर लेते हैं। तो हमने सिंपली इस सिरिंज में जो है पानी को भर लिया है, ठीक है? अब जो है सिंपली हम इस सिरिंज को इस तरह से लटका देंगे, ठीक है? तो देख सकते हैं हमारा जो सिरिंज है कुछ इस तरह से हमने लटका दिया है। अब जो है इस लेज़र को हम इस कुछ इस तरह से पोजीशन में करेंगे। हम यहाँ पर जो है एक ड्रॉप निकालेंगे बिल्कुल ही धीरे से। तो आप देख सकते हैं सिरिंज की नोक पर जो है एकदम एक छोटा सा एक बूंद है, ठीक है? उस बूंद पर हमें इस लेज़र को जो है कुछ इस तरह से पोजीशन करना पड़ेगा ताकि बूंद के ऊपर जो है लेज़र का लाइट गिरता रहे। तो चलिए इसे पोजीशन करते हैं। देखिए ये हमारा लेज़र है और लेज़र डायरेक्टली जाकर जो है इस बूंद पर कुछ इस तरह से पड़ रहा है, ठीक है? तो इस लेज़र से जो है रोशनी इस बूंद पर पड़ रहा है। देखिए पानी की बूंद पर, और पानी का बूंद जो है एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह रिएक्ट कर रहा है और हमारा जो जम्स था यानी कि बैक्टीरियास था उसका साइज जो है कई गुना बढ़ा कर दिखा रहा है। तो हम सिंपली इसके आगे जो है वाइट पेपर को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और देखेंगे कि वाइट पेपर के अंदर हमें क्या दिखाई मिलता है। तो चलिए सभी लाइटों को ऑफ करते हैं और देखते हैं कि वाइट पेपर में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। तो यार काफ़ी अजीब सा चीज़ जो है पेपर के ऊपर देखने को मिल रहा है हम लोगों को, ये आप देख सकते हैं। चलिए लाइटों को ऑफ करते हैं। ये पूरे लाइट ऑफ करने के बाद देखिए कितना क्लियर दिख रहा है यार। पानी के एक बूंद में अगर इतने सारे बैक्टीरियाज है तो आप सोच ही सकते हैं कि पूरे हाथ में जो है कितना सारा बैक्टीरियाज रहेगा। काफ़ी गंदा है ये। तो यार इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ को देख पाए। और आज का वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब बाय बाय।